हाँ अच्छा जी बाकी यानी अब हम लोग इतना से मुदारा वही कर रहे हैं वहाँ न्यूटन में बैठकर वहाँ बाकी जो है वो दो वो उस आयत में अल्लाह ने जिद्दत का जिक्र किया अव्वल और आखिर जहर बात ये खुद बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह का अव्वल क्या अल्लाह का आखिर क्या बोल नहीं सकते कुरान मजीद का तो मोस्ट डिफिकल्ट मुकाम है इमाम नादी ने उस जगह लिखा है कि हाजा मुकाम अमीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बहुत ही गहरा मुकाम है उसमें पैर रखना जो है बड़ा मुश्किल काम बड़ा मुश्किल काम कुरान मजीद में आम तौर पर वो जो मुकाम आया है सूरह हदीद का तीन चीज़ें उसके अंदर आई एक आम तौर पर दो ही सिफात आती हैं रहमान रहीम गफूर रहीम ठीक है इसी तरह के दो सिफात आएगी ना तीन एक्सेप्शन थे जहाँ पे चार चार दो से ज़ायद आए उसमें से सूरह हदीद सूरह जुमा आयत नंबर दो और सूरह हशर का आखिरी रुकू वहाँ अल्लाह तआला ने एक आदमी आठ सिफात एक मुकाम पर एक एक्सेप्शन वो है दूसरा एक्सेप्शन जो है कहीं भी कुरान में आप देख लें सिफत के दरमियान वाव नहीं आया रहमान व रहीम नहीं है कहीं भी नहीं है सिर्फ उस मुकाम पर है सूरह हदीद में वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वाव 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 और ठीक है ये दूसरा एक्सेप्शन है तीसरा आमतौर पर सिफात जो है वो आखिरी में आते हैं सूरह हदीद में बिल्कुल मेन बॉडी आयत का टुकड़ा है बॉडी ऑफ द आयत वो सिफात है तो उन आयत पर बहस करना बड़ा मुश्किल था बड़ा मुश्किल वादत वजूद वादत पता नहीं क्या क्या फलसफे उसके अंदर आ गए सारे मुकाम तो वो मुकाम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई अल्लाह का पहल क्या है अल्लाह का आखिर क्या है लेकिन सीधा साधा सा जुमला बना दिया जीरा हमारे बड़ी प्यारी मिसाल उसके लिए दिया मैं समझता हूँ बड़ी मिसाल अच्छी है जैसे आप जो है ताजमहल का तस्वीर है ताजमहल आपके जहन में आता है ठीक है अब ताजमहल के ऊपर कौन है आप ही हैं ताजमहल के नीचे कौन है आप ही हैं ताजमहल आपके अंदर है ताजमहल के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब आप हैं ना इसी तरह से अल्लाह की जात हर जगह छाई भी बस उतना है हमारे लिए हम कुछ नहीं कह सकते ना हम अल्लाह की इस बात को जान ही नहीं सकते अल्लाह रहमान है कितना रहमान है अल्लाह रहीम है कितना रहीम है अल्लाह कुदरत है कितना कुदरत रखता है हम क्या बोल सकते बहु आला कुल्ली शय कदीर बस यही बोल सकते अल्लाह किस पर कुदरत रखने वाला है अच्छा बाकी का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो नौमान अली खान का जुमला है कि इस कायनात का सबसे हिडन सीक्रेट वो अल्लाह है मगर ऐसा सीक्रेट है जो बिल्कुल हयामी है बिल्कुल हयामी है हर पत्ते को देखकर आप अल्लाह को पहचान ले सकते हैं मगर अल्लाह की जात खुद जो है आप नहीं जान सकते हाँ फिर बात ये अल्लाह के साथ को आखिर और पहले का इब्तिदा को कोई पह नहीं पहुँच सकता इसके बाद एक मिसाल एक किताब है सबसे पहले लोग एक को समझते हैं कुछ लोग जीरो को समझते हैं अब उसके पहले उसके पहले भी है कुछ जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन इस तरह जाएंगे तो आखिर उसको ख़त्म नहीं होता है अब इसके बाद है ना तुम्हारा है ना एक के बाद जीरो दस है उसके बाद सौ है जीरो 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 तो जीरो ख़त्म नहीं होता कभी नहीं ख़त्म इस वक्त अल्लाह के साथ का आखिर भी ख़त्म को नहीं पहुँच सकते और इब्तिदा को इंसान नहीं सही बात सही बात तो बात ही बेकार की बात है मेरा कि आपको बात मान कर चलना पड़ेगा ना नहीं बल्कि इन आयात में ये भी लिखा गया है कि जब तक आप अल्लाह को तस्लीम नहीं करेंगे आपके लिए पूरी कायनात अंधेरा है जुल्मत है आप अपनी अगली को नहीं जानते कायनात को नहीं जानते आपको आपके साथ क्या होगा उसको नहीं जानते तो वो कर सकते हैं